हे फ्रेंड्स, दिस इज अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एंड एजुकेशन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज का ये ट्रेनिंग वीडियो लास्ट सेशन का सेकेंड पार्ट होगा और आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से प्रैक्टिकली आप इस ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट को कर सकते हो विद कलर ब्लॉन्डर एंड स्टैंड अलोन। हमारा पार्ट वन वीडियो पहले देखा नहीं होगा तो प्लीज पहले उसे देख लीजिए, उसकी लिंक ऊपर हमने आई बटन पर दी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस सेकेंड सेशन को ऑन ओलाप्लेक्स बॉन्ड बिल्डिंग ट्रीटमेंट। जैसे दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ये ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट आपके डाइसल्फर बॉन्ड्स को बनाती है या रिपेयर करती है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकली इस ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट को आप किन किन ट्रीटमेंट के साथ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं कलर के साथ। यहाँ हम देखेंगे किस तरह से आपको ओलाप्लेक्स यूज करना है कलर के साथ। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरह आप इस ओलाप्लेक्स को कलर के साथ यूज करके आपके बालों को बचा सकते हो, यानी डैमेज होने से बचा सकते हो। तो यहाँ हम फर्स्ट शुरुआत करेंगे ओलाप्लेक्स नंबर वन प्रोडक्ट के साथ, जिसे आपको कलर के साथ मिक्स करना है। सपोज आपने 50 ग्राम कलर लिया है तो इस 50 ग्राम कलर के अंदर आपको 3.7 ml ओलाप्लेक्स नंबर वन मिक्स करना है। यानी सपोज हम लॉरियल की कलर की बात करें तो एक 50 ml फुल ट्यूब के साथ आपको 3.7 ml ओलाप्लेक्स नंबर वन मिक्स करना है। और अगर आप सपोज 25 ml ही कलर लेते हो, दैट इज हाफ ट्यूब, तो आपको उसके अंदर 1.85 ml ओलाप्लेक्स नंबर वन मिक्स करना है। अब आप इसके मिक्सिंग के तरीके पर ध्यान दें। सबसे पहला आपको कलर लेना है और उस कलर को डेवलपर के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है एज पर कंपनी स्टैंडर्ड। और ये कलर और डेवलपर अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ही आपको उसके अंदर ओलाप्लेक्स नंबर वन डालना है और फिर उसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अब आपका कलर और ओलाप्लेक्स अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आपको कलर का एप्लीकेशन करना है क्लाइंट के हेयर पर। नेक्स्ट, कलर के टाइमिंग के बाद, यानी आपका कलर एप्लीकेशन के बाद आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है, उस टाइम को पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको हेयर को अच्छी तरह रिंस करना है विथ प्लेन वाटर। याद रखिए, सिर्फ प्लेन वाटर से आपको वॉश करना है, आपको शैम्पू या कंडीशनर नहीं लगाना। जैसे ही आपके बाल प्लेन वाटर से रिंस हो जाते हैं, आपको उस बालों में से जो एक्सेस वाटर है उसे रिमूव करना है। तो उसके लिए आप चाहो तो हल्का सा टॉवल ड्राई भी कर सकते हो बालों को, लेकिन गलती से भी ड्रायर का यूज ना करें। एक्सेस वाटर रिमूव होने के बाद नेक्स्ट हमारी प्रोसेस होगी ओलाप्लेक्स नंबर टू एप्लीकेशन। यहाँ आपको ओलाप्लेक्स नंबर टू 5 ml लेना है फॉर शॉर्ट टू मीडियम लेंथ हेयर। और उसी तरह अगर सपोज आपके हेयर लॉन्ग है तो आपको 10 ml नंबर टू प्रोडक्ट लेना है और इस नंबर टू प्रोडक्ट को आपको पूरे हेयर पर लगाना है फ्रॉम रूट्स टू एंड, जैसे आप मास्क या कंडीशनर लगाते हो। और इसे अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है फ्रॉम रूट्स टू एंड। याद रखिए, आपको इसे अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है रूट से लेके एंड तक। और फिर इस प्रोडक्ट को आपको हेयर पर रखना है 10 मिनट के लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट होने के बाद आपको हेयर को अच्छी तरह वॉश करना है विथ कलर प्रोटेक्शन शैम्पू एंड मास्क और कंडीशनर। और अब हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। देखा कितनी सिंपल और इजी प्रोसेस है इस ओलाप्लेक्स ट्रीटमेंट की विद कलर। हाँ, और एक बात याद रखिए, कलर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको क्लाइंट को होम केयर में नंबर 3 प्रोडक्ट देना है और साथ में उन्हें सजेस्ट करना है कि यूज अ कलर प्रोटेक्शन शैम्पू एंड कंडीशनर फॉर लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। इस ओलाप्लेक्स के नंबर 3 प्रोडक्ट की बात हम आगे करेंगे, फिलहाल हम सिर्फ बात करेंगे अलग अलग ट्रीटमेंट्स पर। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं कैसे आपको ओलाप्लेक्स को ब्लॉन्डर के साथ यूज करना है। वैसे तो ओलाप्लेक्स को ब्लॉन्डर के साथ यूज करने की प्रोसेस सेम है, जैसे आप कलर के साथ यूज करते हो ओलाप्लेक्स को, उसी तरह आपको ओलाप्लेक्स को ब्लॉन्डर के साथ यूज करना है। सिर्फ यहाँ पर मिक्सिंग रेशियो अलग होगा। यहाँ आपको 30 ग्राम ब्लॉन्डर के अंदर 7.5 ml ओलाप्लेक्स नंबर वन मिक्स करना है। याद रखिए, 30 ग्राम ब्लॉन्डर के साथ आपको
7.5 ml ओलाप्लेक्स नंबर 1 मिक्स करना है। प्लीज यहाँ गलती से भी ज्यादा ओलाप्लेक्स नंबर 1 मिक्स ना करें, नहीं तो हो सकता है कि आपका कलर का रिजल्ट या ब्लॉन्डर का रिजल्ट अनइवन आ जाए। बाकी ब्लॉन्डर के साथ आपकी प्रोसेस सेम कलर जैसी होगी, यानी फर्स्ट आपको ब्लॉन्डर और डेवलपर को अच्छी तरह मिक्स करना है और फिर उसके अंदर ओलाप्लेक्स नंबर 1 डालना है और उसे अच्छी तरह मिक्स करके उसको या उस ब्लॉन्डर को आपको क्लाइंट के हेयर पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट नंबर 2 की प्रोसेस भी सेम होगी, आपको 5 ml लेना है शॉर्ट हेयर, शॉर्ट टू मीडियम हेयर के लिए, और 10 ml लेना है लॉन्ग हेयर के लिए, और उसे भी आपको 10 मिनट तक बारों पे रखना है, और फिर उसके बाद आपका शैम्पू और कंडीशनर प्रोसेस होगी। एक बात याद रखिए, अगर आपको ब्लॉन्डर के बाद कलर डिपॉजिट करना है तो प्लीज़ ओलाप्लेक्स नंबर 2 ना लगाएं, आप पहले कलर डिपॉजिट करें और फिर बाद में ओलाप्लेक्स नंबर 2 लगाएं, और इस ओलाप्लेक्स नंबर 2 को लगाने के बाद आपको उसे रखना है 10 मिनट, और फिर उसके बाद आपको शैम्पू से वॉश करना है और फिर कंडीशनर या मास्क का एप्लीकेशन करना है। आई होप दोस्तों आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपको ओलाप्लेक्स कलर और ब्लॉन्डर के साथ यूज़ करना है, और अगर आपको फिर भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में अपने डाउट्स बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ नीचे कमेंट्स कीजिए और आपके डाउट्स पूछते रहिए। नेक्स्ट और फाइनली चलो हम बढ़ते हैं लास्ट ट्रीटमेंट की तरफ, दैट इज ओलाप्लेक्स स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट। दोस्तों इस ओलाप्लेक्स स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट को हम कहते हैं ओलाप्लेक्स बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट, और इस ट्रीटमेंट के लिए यानी इस स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट के लिए आपको सबसे पहले रिक्वायर्ड है एक एप्लीकेटर बॉटल की और पानी की, यानी आपको एप्लीकेटर बॉटल और पानी की ज़रूरत है। और ये देखिए इस एप्लीकेटर बॉटल को, आपके पास कुछ इसी तरह की बॉटल होगी तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप कोई भी कलर का बाउल यूज़ कर सकते हो, बट आई पर्सनली सजेस्ट कि आप ऐसी एक बॉटल खरीद दो। और इस तरह की बॉटल यूज़ करने का एडवांटेज ये है कि ये थोड़ा सा प्रोफेशनल भी दिखता है और एप्लीकेशन करने में आसानी भी हो जाती है। अगर आपको इस बॉटल को मंगाना है तो मैं एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन मंगा सकते हो। तो चलो अब इस स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट की भी प्रोसेस को अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ भी फर्स्ट आपको हेयर को अच्छी तरह कोई भी शैम्पू से वॉश करना है ताकि बालों में जितना भी डर्ट हो, पॉल्यूशन हो या रेसिड्यू हो वो निकल जाए, और फिर बाद में आपको हेयर को हल्के से टॉवल ड्राई करना है ताकि एक्सेस वाटर निकल जाए। नेक्स्ट आपको उस एप्लीकेटर बॉटल में 90 ml पानी लेना है, दैट इज प्लेन वाटर, और उसके अंदर आपको 15 ml ओलाप्लेक्स नंबर 1 मिक्स करना है और बॉटल को अच्छी तरह शेक करना है ताकि दोनों पानी और नंबर 1 अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसी पानी और ओलाप्लेक्स नंबर 1 के मिक्सचर को आपके क्लाइंट्स के हेयर पर लगाना है फ्रॉम रूट्स टू एंड, और इसे फिर अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है, और ये पूरी प्रोसेस आपको करनी है शैम्पू स्टेशन पर। एप्लीकेशन होने के बाद आपको उसे अच्छी तरह इमल्सिफाई करना है ताकि प्रोडक्ट पूरे बालों पर अच्छी तरह लगे, और इस प्रोडक्ट को आपको बालों पर रखना है 5 to 10 minutes। आई पर्सनली सजेस्ट कि अगर आपके बाल कम डैमेज है तो उसे 5 minutes रखें, और अगर ज़्यादा डैमेज है तो उसे 10 minutes के लिए रखें। नेक्स्ट विदाउट रिंस यानी विदाउट आपको वॉश किए या रिंस किए आपको नंबर 2 का उसी हेयर पर एप्लीकेशन करना है, और ये नंबर 2 प्रोडक्ट आपको लेना है 5 ml फॉर शॉर्ट टू मीडियम हेयर एंड 10 ml फॉर लॉन्ग हेयर, और इस नंबर 2 प्रोडक्ट को भी आपको हेयर पर अच्छी तरह लगाना है फ्रॉम रूट्स टू एंड, जैसे आप मास्क का एप्लीकेशन करते हो या स्पा क्रीम का एप्लीकेशन करते हो, और इस नंबर 2 प्रोडक्ट को भी आपको हेयर पर रखना है 10 minutes के लिए, और 10 minutes कंप्लीट होने के बाद आपको हेयर को अच्छी तरह रिंस करना है एंड देन शैम्पू एंड कंडीशनर। लेकिन याद रखिए यहाँ शैम्पू और कंडीशनर के लिए आप कोई भी माइल्ड शैम्पू यूज़ करें जो ड्राई और डैमेज बाल के लिए होता है, डोंट यूज़ एनी हार्श शैम्पू और कंज्यूमर शैम्पू। तो ये थी दोस्तों ओलाप्लेक्स की स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट, एंड आई होप आपको ये समझ आ गई होगी ज़रूर। फाइनली अब दोस्तों हम बात करते हैं ओलाप्लेक्स के होम केयर प्रोडक्ट की, दैट इज नंबर 3 प्रोडक्ट, जिसे हम हेयर परफेक्टर भी कहते हैं। ये जो ओलाप्लेक्स का नंबर 3 प्रोडक्ट है जिसे हेयर परफेक्टर भी कहते हैं, ये आपको क्लाइंट को होम केयर में सजेस्ट करना है। अब देखते हैं इस होम केयर प्रोडक्ट को किस तरह से क्लाइंट को घर पर यूज़ करना है। सबसे पहले आप क्लाइंट को कहिए
कि बालों को अच्छी तरह प्लेन वाटर से रिंस करें और रिंस होने के बाद उसे हल्का सा टॉवल ड्राई करें। नेक्स्ट क्लाइंट को अप्रोक्सीमेट 5 ml प्रोडक्ट यूज़ करना है शॉर्ट और मीडियम लेंथ के लिए और 10 ml यूज़ करना है लॉन्ग हेयर के लिए। और इस नंबर 3 प्रोडक्ट को पूरे बालों पर रूट से लेके एंड तक क्लाइंट को लगाना है और उसे अप्रोक्सीमेट 10 से 15 मिनट तक हेयर पर रखना है। लेकिन अगर क्लाइंट के हेयर ज़्यादा ही डैमेज है तो आई सजेस्ट कि आप ज़्यादा देर तक भी इस नंबर 3 प्रोडक्ट को हेयर पर रख सकते हो। नंबर 3 प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद आप क्लाइंट को कहिए कि बालों में कोम अच्छी तरह घुमाए ताकि प्रोडक्ट पूरे बालों पर अच्छी तरह स्प्रेड हो जाए। नेक्स्ट आपको क्लाइंट को बताना है कि उन्हें शैम्पू और कंडीशनर से बालों को अच्छी तरह वॉश करना है और वॉश के लिए जो क्लाइंट शैम्पू और कंडीशनर यूज़ करेंगे वो उनके बालों की कंडीशन के हिसाब से होंगे। अगर सपोज क्लाइंट के हेयर ज़्यादा ड्राई है तो आई सजेस्ट कि ड्राई हेयर वाले शैम्पू यूज़ करें और अगर सपोज क्लाइंट के हेयर कलर किए हुए हैं तो उन्हें कलर प्रोटेक्शन शैम्पू और कंडीशनर सजेस्ट करें। नेक्स्ट बात आती है कि ये 3 नंबर का प्रोडक्ट कभी और कितनी बार यूज़ करना है वीक में। तो याद रखिए इसे वीक में आपको सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, दैट इज़ वंस अ वीक। ये तो थी दोस्तों एक सिंपल प्रोसेस कोलाप्लेक्स नंबर 3 प्रोडक्ट क्लाइंट को होम केयर में कैसे यूज़ करना है। आई होप आपको ये प्रोसेस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। सो फाइनली दोस्तों आज के वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे अहेड।